ग्राम प्रधान बारामसी आबुरे मनोतान शिखर मुर्मू लिया सुनुक तीते नुकुदो 15,000 टका ना उका प्राइज करना नुआ थे कुछ सम्मानित चुवा आ ट्रॉफी एमो लगी तो नेहरो अपन तो चांद मुर्मू में नया जितिया मनोत पचिरे तो उकान मनोतान चांद मुर्मू दे दला अमाक सुनुक तीते नुकु उका से भी फड़ल ना उका ट्रॉफी करना उना एम गते सम्मानित कुम हमरा अपना टीम रन टीम मैनेजर टीम रन कैप्टन आम होते दला से करो बेन अबे नो प्राइज दी लगी और डोडे दहा हो लखीरा बड़े मौजूद बने हैं यहाँ तो झिट्टी एक झिट्टी प्राइज दी लगी एफसी एस स्टार हमरा अपना टीम के मैनेजर टीम के कैप्टन आप चले आइए प्राइज लेने के लिए हमारा अपना टीम अगर आपको प्राइज लेना है तो चले आइए जल्दी नहीं तो कल सुबह आप संपर्क कीजिएगा प्राइज लेने के लिए क्योंकि इसके बाद सभी कमेटी के जो इतने भी एक्टिव मेंबर्स हैं वो व्यस्त हो जाएंगे। नाइन्थ प्रोग्राम का जो सेटअप है वो लगेगी इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद, इसीलिए आप अभी ही चले आइए प्राइज लेने के लिए। आमरापड़ा के टीम मैनेजर टीम के कैप्टन जगह जगह पर प्राइज लेने के लिए लोगों को रात भर दिन भर रुकना पड़ता है, लेकिन आपको पहले ही प्राइज दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग अपेक्षा करेंगे अमरापड़ा के टीम मैनेजर टीम के कैप्टन आप दोनों में से कोई एक आप जल्दी संपर्क करें कमेटी मंच में और अपना जो प्राइज है सेमीफाइनल का वो लेके जाए। एफसी एस स्टार अमरापड़ा पाकुर एफसी एस स्टार बड़ा बड़ा टीम सेमीफाइनल ना होगा प्राइज पूजा बा नेहरोहा मनोत मचिरे दुरु उदान मनोतान मुन्ना किसको सर दे दला हम हजुम है अब आप सुनोती थे नुकु 15,000 टका चाल को में वासे भी पढ़ना प्राइज बनी करना और सासु के दिन ट्रॉफी मो लगी तो मनोत मचिरे दुरु उदान मनोतान बैठ का दा दे दला हम हो बैठो में और आप सुनोती थे ट्रॉफी एम बते अब हम सम्मानित हूँ अब पाडल रहे हो तुरंत की गोल्ड 12 नंबर डोयल सोरेन स्टार्टिंग समय में तकरीबन ये 7वें मिनट लगभग होने को है और ऐसे समय पर पहला महत्वपूर्ण गोल फाइनल मुकाबले में छोटा रंगा की ओर से नोएल सोरेन का पहला महत्वपूर्ण गोल। प्लेयर्स को मोचते गति पे एंटे नुआ को गिन हाफ पे बचा चुका बेस्ट प्लेयर बेस्ट गोलकीपर मैन ऑफ द मैच और अरे बोलो अपन ग्रेट है
में रोचकता बढ़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग समय में जब किसी टीम के पक्ष में गोल होती है तो निश्चित रूप से वो भी चाहेंगे कि मैच में वो जल्दी वापसी आए। इसी बीच अगला गोल के लिए तैयारी चलती भी नोएल सोरेन थोड़ा सा गेप ढूंढने के प्रयास में, क्रॉस निकल गया है वहां पर नाइकी मरंडी के लिए। अभी भी प्लेऑन का संकेत है वहां पर AR2 के द्वारा, लेकिन ऐसे समय पर शिव शंकर यहाँ पर पास बढ़ा दिया अजय के लिए। अजय ने वहां पर रफाइल को ढूंढ निकाला था, लेकिन गेंद ऐसे में प्ले से बाहर चली गई। और लहाको के लिए लई का प्यार उन्हें मात्र बारियागी अखड़ा ऑल हुई करा लग रहे ने अखड़ा इधर पे अगू बड़ा होगा मात्र बढ़िया की तरह अखड़ा जी तुम मुझे पे ओल चूका आप ऐलान फिर ले ले पे करना चाहेगी अखड़ा जी तुम माई ओल चूया हुई दड़िया अपनी प्राच कोई हो वंचित दड़िया पसे जहाँ तो भले निश्चित ये लिपे खाई निश्चित रूप से उन जुखाई पे मैंने हाले तो भले पड़ा ओलना अदोड़ार तो कमिटी आलू पे दोस्त को उड़ाए थे जो तो कोई मड़ांग रहे अपे ठेले नेहरो करा तीनों तो आखड़ा पे अगू का लग रहे ने वाला को अपे उन्हें कम से कम मीटे हो है के तेरे उन्हें जुतुम पे ओल चिया आर बंखाई तयम पे जहाल का हुई लिन खाए अपे कमिटी ऊपर है तो से आलू पे ठहरा बाग एंते जगह जगह रे नुका हयू कना कोई तो जहाँ तो अखड़ा बकू ओल न्याम लेकु खाई से बकू ओल जमे को निस्ती पांग हयू कना उका दो मिस्टेक तो होगा तो मीठे अखड़ा गन बकू ओल जमे को तो उनका समय दिक्कत हयू कना प्राय हटिंग खाए आदो नाइते नेहर ता है ना तिना तो लग रहे ने अखड़ा पे अगु बड़ा उका नाचोडिया मंदड़िया कुले नेहर पे कना अपे कम से कम मीठे होर हो है जो हजू पे नोडे आर अपिया नोडे खोई अखड़ा जितुम पे ओलची मा ये ले नेहरो कना ये भी चोने खोई नोएल सोरेन आरबी दो मांगला गोंडा फिराक ने बनाया 12 नंबर नोएल क्या वहां पर गेप ढूंढेंगे लेकिन उनको हर संभव प्रयास जो है उनका निरस्त करने में सक्षम होते हुए वहां से सुरेंद्र किसको इस बार टीम के जो प्ले मेकर है गुमीत मुर्मू ने सुरेंद्र को ढूंढा। सुरेंद्र और गुमीत के बीच ये गजब का कॉम्बिनेशन पासिंग एक्यूरेसी आप देखिए राउंडेड पास इतना बेहतर खेलते हुए लेफ्ट विंगर के क्षेत्र से डीप में खेलने का प्रयास वहां गेंद को लेने के फिराक में शिव शंकर किसको का ये शॉट लेकिन कोई असर नहीं गोपी उराव के ऊपर क्योंकि गेंद पोस्ट के काफी ऊपर निकल गई। और अगर मार्सेल यहां पर चर्चा किया जाए तो इनका जो पिछले 3 मैचों का अगर गोल का रिकॉर्ड इनका देखा जाए चेक किया जाए और बड़ा अंतर है भाई इनमें गोल का अगर स्कोर को इनका इकट्ठा किया जाए और इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो गोल स्कोर में भी काफी डिफरेंट है। अगर हम बात करें लाल मटिया गोड्डा का तो लाल मटिया गोड्डा के टीम में अभी तक के मैच में या पिछले मैच में पिछले 3 मैचों में मात्र 3 गोल और अगर हम बात करें यहाँ पर छोटा रंगा टीम का तो पिछले 3 मैचों में इनका टोटल गोल है 7। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल दागने वाली टीम छोटा रंगा की टीम है और अभी फाइनल में 1 गोल आ चुका है और इस स्कोर में इनको एड किया जाएगा। अभी तक का टोटल स्कोर इनका हुआ है फाइनल तक में 8 गोल, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम और इनमें सर्वाधिक स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर हम जिक्र करें चर्चा करें तो वो है जर्सी नंबर 10 MM क्लब पहली पड़ा छोटा रंगा की टीम से श्रीकांत सोरेन जिसको गोल टेकिंग प्लेयर्स होने के कारण ही इनको गोल मशीन का उपाधि भी दिया गया है। जब जब इनको मौका मिलती है जब जब इनको चांस मिलता है गोल करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। श्रीकांत शॉट लिया ऑन टारगेट लेकिन गेंद गई मनोज मरंडी के ग्लव्स में। अदले आसुआ जब नुआ नाइट शो प्रोग्राम यल सागे लगे आप जतों कुपे सेटरों में श्रीकांत नोडे खोए
आपका स्कोर ना आपका रिकॉर्ड करा रहे बढ़ा दरिया किया चार गोल के साथ अभी तक इनका जो स्कोर है हाईएस्ट स्कोरर के नाम में इनका प्रथम पर नाम आएगा श्रीकांत सोरेन का यहां पर अपना रिकॉर्ड को और बढ़ा दे सकते थे पांचवा गोल इनके द्वारा आ सकता था लेकिन वो चांस वो अपॉर्चुनिटी वो मौका उन्होंने गंवा दिया श्रीकांत सोरेन ने जहां दो न्यू मरंडी ओपेरा से कोई ओका दो ऑल सदर का नेसा 2024 ना सुपर हिट गेम पुथी ओका दो नहा तिही नवा जीटिया ना गयान टंडी रेको दो सदर बोना नवा पुथी जी तुम दो कना ओइहर हिजुकान बेदा जरोकान ओइहर हिजुकान बेदा जरोकान दुख दोरिया रे गति चार एम बगिया इंतान वादो पुथी जी तुम नहा कहना अडी सुरेस पुथी जी तुम कना जहां दो तिही नवा जिटिया ना गयान कंडी रे नवा को उदुल सुदोरा नी उमरन नी ओपेरा अदो जेजे लालु को नहीं जा नवारे एक से एक कलाकार को मना कुआ इकड गुरम नवा ना तहे ना मात्र 40 टका लट्टू कटी जतो को लगी सुमों गया तो निश्चित रूप से मार्सेल ओका दो नवा समय को नेला नवा मैच ना तकरीबन 18 मिनट हुई का ना नवा मैच रे एक महत्वपूर्ण गोल ना बढ़त बना छोटा रंगाट है तो सरे एकन समय रे बॉल बाकू पे बॉल मौका है छोटा रंगाटी कोई गुमीत मुर्मू नामे कना लाल मटिया गोडा टीम से कोई फिर से कोई दो नंबर गति का खिलाड़ी बोल जीतौ ना एमिन हेम्रम फिर से कोई गुमीत लगी गुमीत एमिन बोल उड़े कोई बेखिल गतिल दा एमिन ताला जामे कना बोल तालावा जितु रहा बी टांग बोल कना रहा टूर्नामेंट रे उड़े से पटवारी फिर से बोल जीतौ ना छोटा रंगाटी कदी ने पात्रो से जान देखो नोवेल लगी बीचाई बेहतर मौका ने कोई बनाओ दिया करो मुटई गना संदा शॉट लगा लदा फिर से देखो तो हां बोल जितोगा सीम संकर किसको देखो चौदह नंबर रे दुकान देखे हमें जाने के नाम आते नहीं रघुनाथ चंद्रकांत किसकोंडे संगी कोई भी चेट अटेम्प्ट जो गोलकीपर जाने के नाम एफसी लाल मटिया गोड्डा टीम उड़े कोई गुमीत बोल जीतो ना गुमीत उड़े कोई 16 नंबर ने गति के दिया छोटू बाजी फिर से गुमीत टाइम से उड़े कोई मेन स्टॉपर ने गति के दिया सुरेंद्र किसको तो फिर से उड़े कोई लहा से गति ला ये प्लार गंडे कोई एमएल लगी स्पेस बिना लहा से बोल दी जाओ मेन का उड़े रिमोइ बोलो आप सीखना उड़े कोई रघुनाथ तेली पड़ा छोटा रंगा टीम तला लगी बीच मौका अपना तला ने कोई नोए लगा तीन तला लगी नोए लगी बीच बेहतरीन मौका अपना गोल दिया नोए लही क्रॉस बार चितान पे बोल चलाओ ना आर बीच अड़ी तगड़ा बीच भारी शूट लगा लेता नोएल आर मकान देखो नोएल तुम रे या गोल हुई को एंटे नोडे को अनुका
नोएल जी थोड़ी आ बेच रहे पीआई और बढ़िया गोल करा उका तो 12 नंबर गति का खिलाड़ी एमएम क्लब तेली पड़ा छोटा रंगा टीम बेंकान नोए जो तुम्हारे मीटा येलो कार्ड हो बिना नोआ भी चाहिए दुबले का तगना बेंकान नोएल भी चाहिए बेस्ट ट्राई का वाला जहां सक बनवा गोल टेकिंग प्लेयर चलाए गोल रे औका तो चंपायत होया उंडे कोई फिर से उंडे कोई श्रीकांत लगी श्रीकांत उंडे ताला लगी बोले गतिल दा बेंकान नोहा बोल जामे करा उंडे कोई शिवशंकर शिवशंकर तोड़े कोई संगति गति के दिया लाल मटिया गुंडा टीम उंडे कोई मुबीन बैक पास उंडे गति करा चंद्रकांत लगी चंद्रकांत फिर से उंडे साथी खिलाड़ी उंडे गति के दिया मौका बिना गुमी थे नीचे शॉट लगाओ ले गया पेनल्टी बॉक्स आसपास कौन पेनल्टी आउट साइड कौन बेंकान गोल पोस्ट को जुजम नखाते बॉल चलावा गोल लाइन पे बारे से वादा गोल की कुछ जितवा तेली पड़ा छोटा रंगा टीम अच्छा मौका मुझे को बना लगा दुबारा देखो श्रीकांत लगी श्रीकांत और लहा से उन्हें खोल बांग आते के संबंध के सारे उन्हें का तेल दिया नाइकी बरंडी नाइकी लिंगा जिंगा तो सोट नियत पोस्ट बोल दुबारा उन्हें खोल ताला बोले जितो एक नाम छोटा रंगा टीम ताला बास सोट भी पच्चीस टीम आप होड़ी रहेगी उन्हें डिप्लोग करते बोला हाँ वापसी की जामे के नाम शिवशंकर डॉक्यूमेंट दुबारा उन्हें कोई स्टीव संदरा पास तलार की उन्हें इंटरसेप्ट किया ताला ताला पास उन्हें कोई स्टिकान लगी तलार की नीचे ये ऑप्शन बना गया बेंकान भाई भाई ते लगभग उन्हें जीरो एंगल से बोल चलाओ दी ना और पेनल्टी बॉक्स कोई नीचे अड़ी ओवर हिट उन्हें लगा किया श्रीकांत सोरेन उसका दो टॉप स्कोरर या सुजी रही तो बनाया पहले स्थान रहे उन्हें कोई फिर से मौका मिला रफाइल लगी रफाइल हो पूरे जोरे लगाओ दो कदो रफाइल आई बड़ा चुकना सेमीफाइनल में महत्वपूर्ण मैच दो कदो रफाइल वा टीम में जुड़ाव करना कदो लाल बटिया गुड्डा टीम से कोई रफाइल सोरेन और सेमीफाइनल में कान दामना मैच रे कदो रफाइल बबार घुटे ही गोले लगाओ कदा बोलिए तो उन्होंने कोई फाइनल मैच रहा हम उन्हें उम्मीद बिना रफाइल थे नडी विश्वास बिना टीम रिया गोल लगी मेरे कांड तलार की नोएल सोने उन्हें कोई नोएल तलाग दिया फिर से उन्हें कोई नोएल लगी बॉल दुबारा उन्हें कोई अपने जमीन के नाम बॉल उन्हें चंद्रकांत चंद्रकांत उन्हें कोई नहीं मिने गतिया बैक पास फिर से चंद्रकांत लगी लंबी बॉल उन्हें चलावा नो मेन एरिया रे आनवा दो गोल लाइन कोई बाहर है उन्हें कोई गोल की पुजामा जहाँ टीम की नुमा खिलौन रहे दाड़िया उन्हीं तो पहला प्राइज जामा पहला प्राइज थे मान बनो कुछ होता तो नेस कुछ हो रहा पहला प्राइज करना 1 लाख तक का दूसरा प्राइज 80,000 सेमी फाइनल या प्राइज तो हटी चुका हूँ करना सेमी फाइनल लगी रुका तो टीम उन्हें सेमी लेकिन हरा ले नियम चल चुका ना मेन क्या जितना उन्हें खोया हो उनका तो 1,80,000 रियाद वहाँ बीचे फिरन चलाओ करना उन्हें खोए नोएल और टीम वो जोड़े बीचे का ठोकर तल हासे बोल गा तिल्ला मेन क्या जितना लगी बीचे अगला सोट उन्हें खोए सुनील उनका तो लगा उलगा एमएम क्लब तेली पड़ा छोटा रंगा टीम सही कौन तगड़ा मैच उन्हें कोई फिर से हाँ बोले जितने उधर वात लार गई श्रीकांत लगी बीचे उन्हें चांस बना गया जैसे बहुत दस गति कर कारी श्रीकांत आ सोट बैंकान उन्हें विपक्षी टीम उन्हें डिफ्लेक्ट होते बोल चलावा गोल कीपर आ ग्लव्स ने उन्हें कौन मनोज बरंडी अच्छा मौका उन्हें बना उल्टा श्रीकांत का दो ये थबी आ मैच रे रुका ना पुनिया गोल बना उन्हें इतने तगड़ा प्रयास उन्हें कोई घुमी संगी कोई की उन्हें सोच लेता बेंकान विपक्षी टीम और बॉडी ने उन्हें गेंद लगाओ ना आलमा पीछे कॉर्नर या उन्हें कौन डायरेक्शन मैच रहती है मेकना सुनाराम सर और वह समय रे मीटर डी बेहतरीन चांस पंजा मेकना एफसी लाल बटिया गोड्डा उकाद अपोनेंट टीम जितान रे वापसी गोल लगी एमएम क्लब पहली पड़ा छोटा रंगा टीम गुमीदा सोर्बुन जला
गोबी का अच्छा शॉट, पेनाल्टी बॉक्स में भी गेंद यहां पर मौका बन सकता है। राफेल का ये कनेक्शन नहीं बन पाए, अन्यथा यहां से भी बेहतर गोल हो सकता था। फिर से छोटा रंगा टीम से इस बार गेंद जीत लिए हैं सुनील हेम्ब्रम। हेलो, हाँ भैया नहीं गए हैं ऋतु सर। पटवारी इधर बढ़ रहा है, गेंद को सजाने का प्रयास कर रहे हैं लेफ्ट फ्लैंक में। वही तो जाने वाली है शायद, जाएंगे वहां पे। सुशील आइएगा तो आइएगा, हम लोग के क्या घर निकला। अच्छा मैच चल रहा है, फिर से एमिंग राफेल के लिए यहां से मौका बन सकता है। ये होगा, क्या बेहतरीन प्लाट मार गोल डाल दे दिया है यहां पर क्या सेलिब्रेशन। राफेल खतरनाक गोल लगा दिया है और इस समय 1-1 की बराबरी में ये मैच आ गया है। बड़ी बेहतरीन उड़े को इबादत हो, चार सोने बगास को बढ़ा लेता और उड़े को राफेल लेगा जगाते पीछे शॉट का दो लेफ्ट पोस्ट लगा उड़े सेकंड पोस्ट लगा ना आधा मैच को बराबर किया तो राफेल ना इतना रही तो दिया गोल हुई ना तो का दो टॉप स्कोर और यहां सुचिर रंजन लेता है दूसरा स्थान है राफेल बनाया और पहला स्थान है श्रीकांत सोरेन। बड़ा टीम की जर्सी नंबर 10 जर्सी नंबर 10 रोड का खिलाड़ी का दो नुमा टॉप स्कोर और बना किना आवाज जाकर सर अपन तगड़ा प्रयास दोनों टीम की तरफ से। अच्छा मुकाबला चल रहा है, नोएल भी बड़ा ही उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं, खेलने का अच्छा तजुर्बे रखते हैं और हमेशा वो अपना बेस्ट देने का प्रयास कर अपना टीम के लिए। नोएल के नाम भी दो गोल हुआ अलग बात है, लेकिन उसको येलो कार्ड भी दिखाया गया थोड़ा सा उसका जो डिसेंट की वजह से। गोलकीपर मनोज बरंडी फिर से यहाँ पर राफेल सोरेन, राफेल का यहाँ से गोल लगा पाएंगे फिर से अगला मौका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर दो प्लेयर के बीच में राफेल फंस जाएंगे और अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के वजह से यहाँ पर गोल इस बार सुनील सुनील का पास यहाँ से रघुनाथ के लग पटवार इस बार गेंद को ले लेंगे छोटा रंगा टीम। अच्छा डिलीवरी बॉल अपोनेंट टीम पटवारी वहां से हेडर के जरिए गेंद को वापसी कर लेंगे, लेकिन यहां से भी अच्छा वापसी इस बार चंद्रकांत किसको बोल जाएगी गोपी और आउट ऑफ में। अच्छा मैच चल रहा है, तगड़ा मुकाबला आज ये फाइनल मैच, दोनों टीम्स मैच को जीतने का प्रयास करें क्योंकि यहां से 1,80,000 यानी प्राइज मनी में 20,000 का डिफरेंस है। कौन सा टीम इस टूर्नामेंट का 1,00,000 रुपये वो अपने नाम करेंगे और यहां से कौन सा टीम इस टूर्नामेंट का जो रनर अप प्राइज है 80,000 वो इस टूर्नामेंट से ले जाएंगे, यहां से एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा मौका बनाने का प्रयास करेंगे दोनों टीम। ग्रैंड फिनाले मैच, लास्ट मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, एमएम क्लब पहली पड़ा छोटा रंगा वर्सेस एफसी लाल बटिया गोड्डा। स्कोर हैज कम फ्रॉम बोथ द टीम्स, नाउ द मैच इज इक्वल, टू गोल्स हैव बीन स्कोर। वंस अगेन राफेल अगला प्रयास, लेकिन इस बार भी राफेल का कोशिश को नाकाम किया गया है। बेहतरीन मौका वहां से बन रहा था, लेकिन राफेल का कोशिश को नाकाम किया गया। फिलहाल थोड़ा सा शायद वो चोटिल अवस्था में नजर आ रहे हैं। मैच रेफरी सुनाराम सर, गोलकीपर मनोज बरंडी फ्रॉम एफसी लालबटिया गोड्डा, डिलीवर द बॉल फॉर द अपोनेंट टीम्स पेनल्टी बॉक्स। गोपी उराव इज द गोलकीपर ऑफ एमएम क्लब टेलीफड़ा छोटा रंगा टीम।
long delivery. Once again, Tyler Soren. Ball has taken Gubit. That will be a flat and short clearance from Gubit. Ball will take just above 5. Suklal Murmu. Clear the ball, nice clearance. Once again through header FC Lal Mathia Gonda team. Gubit Murmu has taken the ball. He who is the playmaker of this tournament. Nice delivery. Quadrafile. That will be a acrobatic attempt. But ball went in off target. Otherwise it would be a wonderful goal. अच्छा मौका वहां से बना था लेकिन ये एक्रोबैटिक शॉट साइकिलिंग शॉट लगाए थे राफेल सोरेन और ये दिशाहीन शॉट और बोल जाएगी गोल लाइन से बाहर। अच्छा प्रयास किया था राफेल ने यहां पर हेडर के जरिए फिर से राफेल को रोक के रखना होगा। खतरा सिद्ध हो सकते हैं लेकिन इस बार यहां पर फिर से राफेल को खेल दिया था पाला। इस बार धीरे धीरे गेंद को यहाँ पर इस बार रघुनाथ मुर्मू को खेल दिया है। रघुनाथ का पास इस बार सुनील के लिए। सुनील का अच्छा डिलीवरी लेकिन श्रीकांत वहां से बॉल को जीतने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सिकरब यहाँ पर अगला प्रयास करने का कोशिश कर रहा है। शिवशंकर एमिन को खेलने का प्रयास किया था और बोल जाएगी तेज दान से धन्यवाद के पात्र हैं एलवेन स्टार क्लब इंदुधाम झिकचिया बरहरवा इस क्लब की तरफ से क्योंकि यह 3 दिवसीय सरदार फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। इस टूर्नामेंट में प्रथम दिन से आप सभी का प्यार आप सभी का सपोर्ट जो मिलता आया है चिलचिलाती धूप में इतना भीषण गर्मी में भी और गर्म हवा में भी आपने टूर्नामेंट को देखने के लिए अपना योगदान दिया है टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है ग्राउंड का जो शोभा को बढ़ाने के लिए आप सभी ऑडियंस एलेवन स्टार क्लब इंदुधाम झिकचिया बरहरवा आप सभी को धन्यवाद देती है। साथ ही साथ आज इस मुख्य मंच पर आए हुए हमारे जितने भी घर बने हस्ती हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं क्लब परिवार की तरफ से क्योंकि शायद कुछ हमारे ऐसे भी मेहमान हैं जो कल और परसों नहीं आ पाए थे लेकिन आज खुशी की बात है वो अपना समय निकाल करके इस अतिथि मंच का शोभा को बढ़ाए हैं और ग्रैंड फिनाले का जो उद्घाटन प्रक्रिया में वो भी शरीक में है। सभी अतिथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ क्लब की तरफ से अपना कीमती समय देने के लिए। All the dignitaries of this tournament, whoever are now present on the stage, I think many of them could not come day for yesterday and also yesterday, but they gave their previous precious time to this committee, and today they have come to this tournament. They participated in the inauguration match of this final match. So that is why I would like to give them a lot of thanks on behalf of 11 Star Club Indudam, Jigtia Barharba, for their precious time, as well as all the audience, because from the very first moment, very first day of this tournament, they have been attending in this hot weather, hot wind. They have been coming every day and watching the match, enjoying the match. That is why they also are very valuable part of this tournament. Thank you very much to each and every audience who have attended this tournament on behalf of 11 Star Club Indudam, Jigchia Barharwa. Final match. यहाँ से कौन सा टीम इस मैच को जीतेगा और समय यहाँ पर सुशील दा देख लीजिए धीरे धीरे अब समय अब अंतिम बिंदु की तरफ निकल पड़ा है। दोनों टीम एक एक जीरो की बराबरी में ये मैच को खेल रहा है। यहाँ से राफेल को जो मौका मिला था कुछ समय पहले गोल करने के लिए लेकिन उनको बाधित किया गया है क्योंकि वहां से सुखलाल है सुनील थे और यहाँ से रघुनाथ उनको पता है कि राफेल को भी रोक करके रखना होगा अर्थात वो भी एक हद तक ही हो सकते हैं वो मैच में वो लीड ला सकते हैं अपना टीम के लिए। और अभी भी यहाँ पर राफेल जो का इस टॉप स्कोरर का सेकेंड सीरियल नंबर सेकेंड 2 में उसका नाम आ रहा है
फर्स्ट नेम अगर आप चर्चा करें श्रीकांत सोरेन, 4 गोल लगाए हैं जैसे नंबर 10 में एमएम क्लब पहली पड़ा छोटा रंगा टीम से, और राफेल सोरेन जैसे नंबर 10 में ही एफसी लाल मटिया गोड्डा। तो आखिरकार यहां से कौन सा टीम इस मैच को जीतेगी? और वहां से एक फाउल इस बार कंसीड कर लेंगे एफसी लाल बठिया गोड्डा, और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस बार मिल जाएगी एमएम क्लब तेलीपड़ा छोटा रंगा टीम। तो सुशील दा यहां से समय भी घटते जा रही है, यहां से अगर गोल होती है एमएम क्लब तेलीपड़ा छोटा रंगा टीम से तो ये लगभग लगभग विनिंग गोल के बराबर होगा, लेकिन फिलहाल शॉट के लिए तैयार यहां से शायद रघुनाथ और ताला होंगे, कौन सा खड़ी शॉट लेंगे यहां पर आपसी चर्चा चल रही है। और एक रणनीति भरा शॉट मार्शल बिल्कुल लगाया जाएगा, और ये देखिए पंच आउट गजब का मनोज मरंडी, बहुत ही एक्टिव गोलकीपर है मनोज। स्टार्टिंग समय से अगर आप देखें तो मनोज का हर एक एक्टिविटी बहुत ही बेहतर रहा है मैच के क्रम में, और हर एक डिफिकल्ट अवस्था में उन्होंने टीम को सेव रखा है। ये खासियत दोनों टीम्स के गोलकीपर में है। गोपी उरांव एक नामी ग्रामीण गोलकीपरों में से एक है, और आज इस ग्राउंड पर मनोज मरंडी ने भी अच्छा अपना गोलकीपिंग का अंदाज यहाँ पर पेश किया है, और इसी बीच एक कॉर्नर लेने का अवसर प्राप्त किए हैं यहाँ से छोटा रंगा की टीम। नीचा शॉट लेकिन कनेक्शन लगा नहीं अटैकर के द्वारा, और इसी के साथ ये रहा मैच समाप्ति का फुल टाइम विशिल। और